ऑस्कर अवार्ड में न्यूड पहुंचे जॉन सीना, बिना कपड़े पहने स्टेज पर प्रेजेंट किया अवार्ड, कैमरे के सामने प्राइवेट पार्ट को छुपाते हुए आए नजर। जी हाँ, ऑस्कर्स 2024 में अपने टैलेंट के दम पर कई स्टार्स ने अवार्ड अपने नाम किया, लेकिन टॉक ऑफ द टाउन तो एक्स रेसलर जॉन सीना बन गए। आखिर दुनिया के सबसे बड़े एकेडमी अवार्ड्स में जॉन सीना बिना कपड़ों के ही पहुंच गए। लाइव टीवी पर एक्टर नेकेड नजर आए, यहाँ तक कि स्टेज पर भी जॉन सीना न्यूड ही पहुंच गए। दरअसल इस सेरेमनी में जॉन को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड प्रेजेंट करना था, और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने रेसलर किसी कॉस्ट्यूम में नहीं बल्कि बिना कपड़ों के ही पहुंच गए। उनके नेकेड लुक ने सभी के होश उड़ा दिए। इसके बाद जॉन सीना को स्टेज के पीछे छुपते हुए देखा गया। उन्होंने होस्ट जिमी से अपना प्रैंक करने से मना कर दिया। फिर होस्ट ने कहा कि जाइए, फिर आप अवार्ड ही प्रेजेंट कर दीजिए। जॉन सीना ऑस्कर 2024 के मंच पर एक बड़े लिफाफे के साथ धीरे धीरे चलकर और अपनी बॉडी को छिपाते हुए नजर आए, लेकिन फिर उन्हें थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो लिफाफा ही नहीं खोल सके। जॉन सीना ने कहा, कॉस्ट्यूम बहुत जरूरी है, शायद सबसे जरूरी चीज है। जॉन बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर कैटेगरी के विनर के नाम का लिफाफा लेकर खुद को छिपाते हुए स्टेज पर आए थे। उन्होंने न्यूड लुक में ही अवार्ड प्रेजेंट किया। नॉमिनेशन का ऐलान करने के बाद होस्ट जिमी किमेल ने जॉन के शरीर पर पर्दा लपेटा। इसमें वो विनर की स्पीच के बैकग्राउंड में खड़े भी नजर आए। दरअसल ये एक प्रैंक था जिसे जॉन और जिमी दोनों ने मिलकर प्लान किया था। हालांकि ये प्रैंक देखकर वहां मानो बवाल समझ गया, लोगों के होश उड़ गए। हर कोई उन्हें उस हालत में देखकर हैरान रह गया था। जॉन सीना का नेकेड लुक सोशल मीडिया पर अब धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। सेरेमनी में भी स्टार्स के होश उन्हें देखकर उड़ गए थे। कई लोग उन्हें देखकर हंसे तो कई जॉन की मस्कुलर बॉडी की तारीफ कर रहे हैं। वहीं ऑस्कर्स 2024 के बैकस्टेज से भी जॉन सीना की एक फोटो सामने आई है। इसमें उन्होंने स्किन कलर के कपड़े से अपना बम छुपाया हुआ है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का जो अवार्ड जॉन सीना ने प्रेजेंट किया था, वो अवार्ड होली वाडिंगटन को मिला। उन्हें अवार्ड फॉर्म पुअर थिंग्स के लिए दिया गया है। बता दें कि ऑस्कर्स 2024 में फिल्म ओपेनहाइमर का जलवा देखने को मिला। फिल्म ने कुल 7 अवार्ड जीते। इसमें बेस्ट एक्टर के लिए सिलेन मर्फी को अवार्ड मिला। इसके अलावा रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उनके करियर का पहला ऑस्कर जीता, जो उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिला। फिल्म पुअर थिंग्स के लिए एमा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इस फिल्म को कुल 4 अवार्ड मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।